दोस्तों बहुत स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपको दोस्तों नवीन शर्मा। बात कर रहे हैं मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। मौसम विभाग ने लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया है 4 मार्च के लिए। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि 4 मार्च को कैसा रहेगा मौसम, जानते हैं इस अपडेट को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन से अपडेट रहे आप देश की सभी बड़ी खबरों से उम्मीद तुरंत। चलते हैं अपडेट की ओर, फटाफट क्या है अपडेट आपके लिए 4 मार्च का। दोस्तों आज का दिन जो दिल्ली पंजाब हरियाणा झारखंड और बिहार में बारिश, लेकिन 5 क्षेत्रों में आज बारिश का अलर्ट है। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। दोस्तों उत्तराखंड से हम शुरू करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है और इस सिस्टम के कारण जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस बीच पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश होगी। इन राज्यों में अधिकतम तापमान भी बढ़ने वाले हैं। वहीं नमी कमी रही और तापमान की वजह से उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों पर सुबह के समय मध्यम कोहरा छाया रह सकता है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की ओर चलते हैं तो वहां पर जो है हवाओं का क्षेत्र वो हिमालय पश्चिम बंगाल पर बना हुआ है चक्रवाती क्षेत्र, और इसके साथ एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र झारखंड और बिहार पर बना हुआ है। इन सिस्टम के कारण बिहार झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर राज्यों के कई स्थानों पर बारिश के आसार बने हुए हैं, लेकिन पूरी भारत में भी कुछ क्षेत्रों पर आज बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। और मध्य भारत की बात करें तो एक तरफ रेखा छत्तीसगढ़ तक जा रही है, इसलिए यहाँ बारिश होने की संभावना है छत्तीसगढ़। वहीं दूसरी ओर उत्तर पश्चिम हवा के कारण मध्य प्रदेश विदर्भ और गुजरात पर शुष्क मौसम बना रहेगा। वहीं इसके साथ साथ मध्य भारत में न्यूनतम तापमान गिरेंगे। हालांकि ट्रफ रेखा के कारण दक्षिण गुजरात और उत्तर तटीय महाराष्ट्र साथ ही मुंबई पर हल्की वर्षा हो सकती है। यदि हम कह सकते हैं महाराष्ट्र और मुंबई में हल्की वर्षा की संभावना है। बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे महाराष्ट्र के लोग, तो आपके लिए अच्छी खबर है आने वाले 24 घंटों में महाराष्ट्र में हो सकती है बारिश, आपके लिए बड़ी खबर। और दक्षिण भारत में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र श्रीलंका और उससे सटे कोमोरिन क्षेत्र पर बना हुआ है। यह सिस्टम पश्चिम दिशा से आगे बढ़ेगा जिस कारण दक्षिण केरल पर हल्की बारिश हो सकती है, बाकी दक्षिणी बावदी पर शुष्क मौसम बना रहेगा। तो दोस्तों यह था लेटेस्ट अपडेट मौसम विभाग का आज का। बाकी स्थानों पर जैसा जो मौसम जो घंटे पूर्व था इनका वर्णन नहीं है, वहां वैसा ही रहने वाला है। फिलहाल जो है इन क्षेत्रों में बारिश और जो है तूफान और हल्की बारिश की आशंकाएं हैं। वीडियो को इसे शेयर करें ताकि सब लोग जान सके आज का लेटेस्ट अपडेट मौसम पूर्वानुमान को एवं सावधान सतर्क रह सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों खुश रहिए स्वस्थ रहिए, नमस्ते इंडिया। हमारे सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।